हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन रचनास किचन। नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे के उपलक्ष पे मैं बनाने जा रही हूँ दो डिशेस आपके लिए। एक है कूटू के आटे की पूरी और दूसरा हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनी जो आप व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी बिना व्रत के भी आप खा सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे कूटू के आटे की पूरी और चटनी। आज मैं कूटू के आटे की पूरी बना रही हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ एक कटोरी कूटू का आटा। अगर आप चाहे तो सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं, राजगिरे का आटा ले सकते हैं, सबका प्रोसेस सेम ही होता है। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर उसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें मैंने ऐड किया है सेंधा नमक, ये थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि सब्जियों में भी नमक होता है, तो इसको हम कम ही रखेंगे। फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है, ये ठंडा कर लिया था और इसको मैं अब इस आटे में मिक्स कर दूंगी। इससे क्या होता है, बाइंडिंग अच्छी होती है, नहीं तो जो आटा होता है कूटू का या राजगिरे का ये टूटने लगता है जब हम गूंदते हैं, अगर हम पानी से गूंदेंगे तो। अब अगर चूंकि मैंने आलू लिया है, या आप उबली हुई अरबी भी ले सकते हैं, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। थोड़ा सा तेल डालेंगे और वार्म वाटर से इसको गूंद देंगे। बहुत पतला नहीं गूंदना है, मतलब थोड़ा सा टाइट ही रखना, जैसे पूरी का आटा होता है। 2-3 मिनट आप इसको गूंदेंगे तो अच्छा इसका बाइंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हाथ में चिपके तो आप तेल लगा लीजिए हाथों में और उसकी हेल्प से आप आटे को अच्छे से गूंदिए। आटा रेडी हो चुका है, अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट करने रख दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं और बस अब इसके हमें छोटे छोटे से गोले तैयार कर लेने हैं। अब चकले पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्लावर इस पर डाल दूंगी, सो दैट हमारी जो पूरी है वो इस आटे पे ना चिपके, क्योंकि ये जो राजगिरे का आटा या कुट्टू का आटा होता है, इसकी प्रवृत्ति होती है चिपकने की और ढीला पड़ जाने की, टूटने की पूरियां। तो अगर हम ड्राई आटा डाल देंगे तो हमारी पूरी चिपकेगी नहीं, इजिली बन जाएगी। और तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही पूरियां इस तेल में तलेंगे और हमारी कूटू के आटे की पूरी रेडी है। फ्रेंड्स, ये हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पीनट पाउडर। ये पीनट को मैंने, यानी कि मूंगफली को पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया था। मैंने 5-6 चम्मच मूंगफली का पाउडर लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च। हरा धनिया इसमें थोड़ा ज्यादा जाता है, आप इसमें चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीना मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च और व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक और आधा नींबू का रस, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको बारीक पीस लीजिए। ये देखिए हमारी चटनी जो है कितनी बढ़िया तैयार हो गई, कलर कितना अच्छा आया है। काफी लोग चटनी को ऐसे ही खा लेते हैं पर मैं इसमें लगाऊंगी तड़का थोड़ा सा ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बिना तड़के के। तड़के के लिए पैन में मैंने 1 चम्मच जितना तेल गरम करने रखा है, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें मैं ऐड कर दूंगी करी पत्ता और लास्ट में हम डाल देंगे जीरा, और तड़का हमारा रेडी है। इसमें लाल मिर्च हमने डाली नहीं है, व्रत में हम खाते नहीं है। बस अब इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे और सर्व करेंगे। चटनी को बहुत बढ़िया लगती है ये चटनी, ये देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है चटनी, तो खाने में तो ये और भी बढ़िया लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी और पूरी दोनों ही रेडी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे, प्लीज किसी का वेट ना करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ऑसम, सुपरलिशियस, सुपर डिलीशियस और सुपर इजी रेसिपीज का आनंद आप ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।